मध्य प्रदेश के सतना जिले के केंद्रीय जेल में आज राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के तत्वाधान में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से केंद्रीय जेल में बंद अपराधियों के बेहतर स्वास्थ्य रखने के लिए उनका मेडिकल चेकअप कराया गया। इसके साथ ही उनके अधिकारों को लेकर विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा समझाइश भी दी गई। केंद्रीय जेल के चार दीवारी के अंदर बंद बंदियों के लिए आज अलग अलग डॉक्टरों की टीम के माध्यम से उनका मेडिकल चेकअप कराया गया, जिसमें सर्जिकल स्पेशलिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञ, दंत रोग विशेषज्ञ, टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बड़ी बीमारियों के डॉक्टर उपलब्ध रहे। इस बारे में जेल अधीक्षक लीना कोस्टा ने बताया कि सतना केंद्रीय जेल में करीब 2000 बंदी हैं, जिनमें से आज करीब 581 बंदियों का मेडिकल चेकअप कराया गया और विधिक साक्षरता शिविर के द्वारा बंदियों को उनके मौलिक अधिकार के बारे में समझाइश दी गई। साथ ही जिन बंदियों के पास अधिवक्ता नहीं होते उन्हें अधिवक्ता कैसे प्राप्त हो सकेंगे इसके बारे में भी बताया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में आज केंद्रीय जेल सतना में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। वर्तमान समय में आज केंद्रीय जेल सतना में लगभग 2000 बंदी हैं, जिनमें से हम लोगों ने 581 बंदियों को चिन्हित किया है, जिनको थोड़ी बहुत जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। यहाँ अभी जिला चिकित्सालय से और बिरला हॉस्पिटल से मिलाकर के करीब 14 से 20 डॉक्टर यहाँ पर हैं, जो कि बंदियों का चेकअप कर रहे हैं। अभी विधिक साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में माननीय डीजे सर के द्वारा बंदियों को समझाइश दी गई कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, किस प्रकार से उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, और ये भी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जो भी उनके केस में पैनल लॉयर जो नियुक्त किए गए हैं उनको निर्देशित किया जाएगा कि वो समय समय पर आकर बंदियों से चर्चा करके उनको उनके केस के बारे में अवगत कराते रहेंगे। न्यूज 18 के लिए सतना से प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट।